फेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अमन कुमार हुआ। मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाऊंगा। क्लास 11th का मैथ्स में जो स्टार्टिंग टॉपिक होगा वो है सेट। ठीक है, पहले हम कुछ बोर्ड का चीज पढ़ाएंगे, फिर बोर्ड से रिलेटेड जो एंट्रेंस का चीज है उसको कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग में कुछ क्लास पहले बोर्ड का होगा, क्योंकि बोर्ड का जो टॉपिक तुमको समझ में आ गया फिर उसी को एंट्रेंस लेवल पे, हाई लेवल पे बताना मेरे लिए आसान होगा, तुम्हारे लिए भी आसान होगा। तो ठीक है, मेरा पहला टॉपिक है सेट, हम वो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक है सेट। हम तुमको सेट के बारे में पढ़ाएंगे और साथ साथ सेट का जो मटेरियल होगा, जो प्रॉब्लम्स होगा वो हम तुमको दे देंगे, सो दैट तुम उसके बाद वो प्रॉब्लम को सॉल्व करो। जो नहीं होगा तुम हमको या ग्रुप में मैसेज करके तुम को मैसेज दे दोगे कि ये प्रॉब्लम नहीं हुआ, उसको हम फिर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक सेट से। देखो सेट क्या है। सेट है इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। और वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ? वेल डिफाइंड का मतलब हुआ जिसका डेफिनेशन सबके लिए सेम है। जैसे हम बोले कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स, कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स, इसको हम सेट नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि गुड प्लेयर्स का डेफिनेशन हर एक लोगों के लिए अलग अलग होगा। लेकिन यदि हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट हु गॉट मोर देन 60% मार्क्स और 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एग्जाम, वो फिर क्या हो जाएगा? एक सेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वेल डिफाइंड है। 60% से ज्यादा ये फिक्स है कि ये लड़का आया होगा, लेकिन गुड स्टूडेंट या गुड प्लेयर इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, जब तक हम लोग उसको किसी भी चीज को क्वांटिटी से डिफाइन नहीं कर पाए, केवल क्वालिटी से कि गुड है, इंटेलिजेंट है, टॉल है, लेकिन टॉल केवल बोलने ही इज ए टॉल पर्सन, इतना बोलने से नहीं होगा। हमको टॉल यदि है तो हमको ये बताना पड़ेगा कि उसका हाइट कितना है, तब जाके वो वेल डिफाइंड होगा। तो सेट क्या हो गया? इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सेट को डिनोट करने का कुछ तरीका है। ऐसे सेट को जनरली हम लोग कैपिटल लेटर ए बी सी डी से डिनोट करते हैं। अब कैपिटल लेटर ए के अंदर ए है, ए और ये कर्ली ब्रेसेस है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखे 1 2 3 4। इसका मतलब ए एक सेट है जिसमें फोर एलिमेंट है, 1 2 3 4। ठीक है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और हम लोग बोल सकते हैं 1 belongs to A। इसका मतलब हो गया, ये जो सिंबल हुआ इसका मतलब हो गया belongs to A, 1 belongs to A। या हम बोल सकते हैं कि 1 is a member of set A। 1 क्या है? सेट A का मेंबर है, तो हम लिखेंगे 1 is a member of set A। फिर हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि 4 4 भी belongs to A। 4 के बारे में भी बोलेंगे 4 belongs to A। बट 5 does not belong to A। does not belong to में हम लोग क्या करेंगे? ऐसे कट कर देंगे, तो लिखेंगे 5 does not belong to A। ये 5 is not a member of A। ठीक है, अब कुछ सेट पहले से ही डिफाइंड है। जैसे हम लिख दे, यदि सपोज करो n लिख दे, n का मतलब हो जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इफ वी राइट n मींस वी आर राइटिंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या हो गया? तो 1 2 3 4, ये क्या हो गया? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यदि हम लिखते हैं q, q का मतलब हो गया सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, जैसे हम लिख सकते हैं √2 does not belong to Q, क्योंकि √2 रैशनल नंबर नहीं है, √2 एक रैशनल नंबर है, तो हम लिखेंगे √2 does not belong to Q। बट हम लिख सकते हैं 2/3 belongs to Q। 2/3 क्या है? रैशनल नंबर है 2/3, तो हम लिख दिए 2/3 belongs to Q। फिर इसी तरह से z लिखें, z का मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में क्या क्या आएगा? 0 आएगा, +-1 +-2 +-3, ये क्या हो गया? सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो अब हमको यदि पूछा जाए कि -3 क्या है, तो लिख सकते हैं हम लोग -3 belongs to Z, क्योंकि -3 क्या है? -3 एक नेगेटिव इंटीजर है, तो -3 belongs to the set Z। 4/3 does not belong to Z, क्यों नहीं? क्योंकि 4/3 हमारा इंटीजर नहीं है, तो लिखेंगे 4/3 does not belong to Z। ठीक है, 1 belongs to N, क्योंकि 1 is a member of N, नेचुरल नंबर होगा। लेकिन -4
डज नॉट बिलोंग टू एन, माइनस फोर एन पे नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो माइनस फोर डज नॉट बिलोंग टू एन। इस तरह से हम लोग कुछ सेट पहले से ही वेल डिफाइंड है, जैसे एन हो गया, एन का मतलब सेट ऑफ नेचुरल, क्यू का मतलब सेट ऑफ रैशनल, जेड का मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। अब सेट को रिप्रेजेंट करने का कुछ तरीका है, एक तो है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में जैसे सेट ए लिख दिए, ए के अंदर 2, 4, 6, 8 है, इसको हम लोग कॉमा से सेपरेट करके लिख दिए, 2, 4, 6, 8, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान देना है, ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। ऑर्डर नॉट इम्पोर्टेंट का मतलब हम लोग सेट ए को यदि हम ऐसे लिख दिए 4, 2, 8, 6, दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। ऐसा नहीं कि पहले 2 को लिखना है फिर 4 को लिखना है, सारे मेंबर्स को लिखना है, लेकिन ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। 4, 2, 8, 6, 4, 2, 6, 8 ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि सेट ए को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2, 2, 4, 6, 8। एक ही मेंबर को यदि हम 10 बार भी लिख देते हैं, 10 टाइम्स भी लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो 10 अलग अलग मेंबर्स काउंट होगा, उसको एक ही मेंबर एज्यूम किया जाएगा, ठीक है, एक ही मेंबर लिया जाएगा। ये तो हुआ रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम लोग सेट को, सेट के एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके लिख देते हैं। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में जो हम लोग सेट को लिखते हैं, जैसे सेट हम बी लिखें, ठीक है, बी लिखें एक्स, बी में एक्स है, इसका मतलब हुआ बी में एक्स है सच दैट, इस सिंबल का मतलब क्या हो गया, सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, मतलब बी में एक्स है और एक्स का प्रॉपर्टी ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, यही आएगा। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें हम लोग सेट का प्रॉपर्टी लिख दिए। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं बी के अंदर है 1 और -1, तो दो मेंबर इधर आ गया, ठीक है ना, सेम ही सेट हुआ, सेम सेट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो हम लिख रहे हैं ये हो गया रोस्टर फॉर्म, और ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग सेट के एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में सेट के एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। अब जैसे मान लो सेट सी है, सी लिखा हुआ है 1 by 1 कॉमा 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है किसमें लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखे, सी है, सी एक सेट है जिसके अंदर एक्स है, सच दैट, इसका मतलब हो गया सच दैट, मतलब एक्स का प्रॉपर्टी क्या है, एक्स है इक्वल्स टू 1 by n, एक्स क्या है 1 by n है, और n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो अब n नेचुरल है तो n की जगह 1 रखोगे तो 1 by 1 आ जाएगा, n की जगह 2 रखोगे तो 1 by 2 आएगा, n की जगह 3 रखोगे तो 1 by 3 आएगा, एंड सो ऑन होते चल जाएगा। तो ये हो गया सेट, ये हो गया तुम्हारा रोस्टर फॉर्म फर्स्ट वाला, और ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब मान लो बी दिया हुआ है, बी एक सेट है जिसमें एक्स है, सच दैट एक्स इक्वल्स टू 1 by 2 n-1 where n belongs to natural and n का वैल्यू दिया हुआ है 1 से 5 के बीच में, मतलब n का वैल्यू 1 से 5 के बीच में इंक्लूडिंग है, इक्वल टू साइन दिया हुआ है मतलब इंक्लूडिंग है, n का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो ये जो लिखा हुआ है किसमें, ये तुमको दिया हुआ है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, तो n की जगह 1 रख दिए, अब n की जगह 1 रखें तो 1 by 2 - 1 ये हो गया 1, तो 1 by 1 हो गया, n की जगह 2 रख दिए तो कितना हो जाएगा, 2 रख दिए तो 2 into 2 = 4 - 1, 3 हो जाएगा तो 1 by 3, इस तरह से n की जगह 5 रख दिए तो 10 - 1, n की जगह 5 रख दिए तो 2 into 5 = 10 - 1 = 9, 1 by 9। तो हम लोग इस ढंग से सारे एलिमेंट्स को लिख दिए। ये जो लिखा हुआ है ये और ये दोनों एक ही सेट है, लेकिन ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और ये सेट बिल्डर फॉर्म में। अब हमारे पास मान लो एक सेट लिखा हुआ है ए, ए में एलिमेंट है ए कॉमा ई आई ओ यू, ऐसे ये लिखा हुआ है किसमें, ये लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, ए, ए में एक्स है सच दैट, एक्स का ये प्रॉपर्टी है कि एक्स इज वोवेल, इन इंग्लिश अल्फाबेट एक्स इज वोवेल, तो क्या क्या होगा वोवेल में, क्या क्या होगा, ए होगा, ई होगा, आई ओ यू, तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया और ये सेट बिल्डर फॉर्म।
अब दिया हुआ है सेट बी, बी दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। बी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कि बी में एक्स है सच दैट एक्स इक्वल्स टू 2n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल। तो अब n नेचुरल लिखेंगे तो n का वैल्यू जैसे 1 हो गया तो 2 आ जाएगा, n का वैल्यू 2 हो गया 4 आ जाएगा, n का वैल्यू 3 हो गया 6 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया और ये रोस्टर फॉर्म। फिर सेट ए लिखें, ए में क्या है एक्स है सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये किस में लिखा हुआ है, इसमें प्रॉपर्टी लिखा हुआ है ना, तो प्रॉपर्टी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये किस में सेट बिल्डर फॉर्म। और ये उसी सेट का अब दो एलिमेंट होगा 5 एंड -5, क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे, जब एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करोगे तो एक्स का वैल्यू आएगा +-5। तो ये हो गया तुम्हारा रोस्टर फॉर्म, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स जैसे फर्स्ट में आया जैसे एम्प्टी सेट, या इसी को हम लोग बोलते हैं नल सेट या वॉइड सेट। एम्प्टी सेट का मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, नल सेट या वॉइड सेट एक ही हुआ जिसमें कोई एलिमेंट नहीं। जैसे सपोज करो हम बोले दुनिया में वो सारा आदमी जिसका एज 500 ईयर्स है और वो जिंदा है, तो ऐसा तो एक भी एलिमेंट नहीं होगा, ऐसा कोई होगा ही नहीं, तो उसको हम बोलेंगे कि वो एम्प्टी सेट हो गया। तो एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट एक ही बात हुआ, डिनोटेड बाई फाइ, इसको फाइ से जनरली डिनोट करते हैं, हैविंग नो एलिमेंट, इसका कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा। देखो जैसे अब हमारे पास एग्जाम्पल है कि सेट ए है, ए में एक्स है सच दैट एक्स का वैल्यू 4 से 5 के बीच में है एंड एक्स इज ए नेचुरल नंबर। 4 से 5 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा। जब 4 से 5 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होगा मतलब ए में कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, इसका मतलब ए क्या हो गया नल सेट, मतलब कोई भी एलिमेंट। ठीक है, बी एक्स सेट लिखें, बी में एक्स है सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर तो 2, 4, 6, 8 होता है, ये भी होगा और ये भी होगा, ऐसा होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहां से तो एक्स का वैल्यू +-5 आएगा एंड एक्स को नेचुरल नंबर भी होना है, दोनों एक साथ में नहीं होगा, तो ये भी क्या हो गया नल सेट हो गया। सिंगलटन सेट इसके बाद आता है, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट का मतलब जिसमें एक एलिमेंट है, हैविंग ओनली वन एलिमेंट। ऐसे मान लो हम लिखें सेट ए, सेट ए में 5, ये क्या हो गया सिंगलटन सेट। ठीक है, अब टर्म आता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट ए, इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब एक सेट में कितना एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट कितना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए सेट डिनोटेड बाई एन ए, जैसे हम लिखे हैं ए, एक सेट है जिसमें 1 है 3 है, फिर लिखे 3, 5, 5, तो इसका मतलब इसमें 3 ही डिफरेंट एलिमेंट है, एक है 1, एक है 3, ये तो रिपीट किया हुआ है ना, इसको अलग काउंट नहीं करेंगे, 1 है 3 है और 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल्स टू 3। फिर सेट बी हम लिखे, सेट बी में लिखे हम मान लो 1, 3, 5, 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना हो गया। ठीक है, अब है फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट का मतलब क्या होगा, फाइनाइट सेट का मतलब होगा हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब जिसको हम काउंट कर सकें कि कितना एलिमेंट है। जैसे मान लो सेट ए लिखे हैं जिसमें 1, 2, 3, ये तो 3 ही एलिमेंट हो गया, तो ये हो गया फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट का मतलब हो गया इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे मान लो सेट एन लिखे, एन में सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होगा, 1, 2, 3, 4 जितना करते जाओगे। ठीक है, तो इनफाइनाइट सेट हो गया। फिर टर्म आता है इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट किसको बोलेंगे, तो दो फाइनाइट सेट ए और बी को इक्विवेलेंट बोलेंगे। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी दोनों सेम हो जाए, ए में जितना एलिमेंट हो और बी में जितना एलिमेंट हो दोनों सेम हो जाए, वही लिखा हुआ है कि टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम। कार्डिनल नंबर का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे मान लो सेट ए है, ए में हम लिखे 1, 3, 5, 3 एलिमेंट है,
बी में हम लिखें ए बी सी, सी में हम लिखें ए बी सी डी, तो ये और ये क्या होगा, ए और बी इक्विवेलेंट होगा क्योंकि इसमें भी तीन एलिमेंट है इसमें भी तीन एलिमेंट है, लेकिन ए और सी इक्विवेलेंट नहीं होगा क्योंकि इसमें थ्री एलिमेंट है इसमें फोर एलिमेंट है, बी और सी इक्विवेलेंट नहीं होगा इसमें थ्री एलिमेंट है इसमें फोर एलिमेंट है। फिर टर्म आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट किसको बोलते हैं, तो दो सेट है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए का हर एक मेंबर बी में है और बी का हर एक मेंबर ए में है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इक्वल सेट। जैसे मान लो हम सेट ए लिखे, ए में लिखे 1 2 3 4 और बी में हम लिखे 4 1 2 1 3, तो हम बोल सकते हैं ना कि 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसका हर एक एलिमेंट इसमें है, इसका भी हर एक एलिमेंट इसमें है, जब इसका हर एक एलिमेंट इसमें है, इसका हर एक एलिमेंट इसमें है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स, जैसे सेट ए दिया हुआ है, ए में एक्स है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल एंड एक्स लेस देन 3, एक्स नेचुरल नंबर है और लेस देन 3 है। ठीक है, तो ए के बारे में लिखना है कि ए में क्या एलिमेंट होगा, तो हो जाएगा 1 और 2, नेचुरल है और 3 से छोटा एक नंबर है तो 1 और 2 होगा। बी एक सेट है इसमें भी 1 एंड 2 है, सी एक सेट है इसमें 3 एंड 1 है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ए एंड बी आर क्या हो गया, इक्विवेलेंट सेट, ए एंड बी आर इक्वल सेट, एंड ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, बी एंड सी आर इक्विवेलेंट क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है, इसमें इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट सेट हो गया, लेकिन ये और ये इक्वल सेट नहीं हुआ। बट ए एंड बी क्या हो गया, इक्वल सेट, क्योंकि ए में भी सेट 1 और 2 है, बी में भी 1 और 2 है। ठीक है, अब जैसे यहां पे सेट ए, ए में लिखा हुआ एक्स, सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड आर ई ए टी, इसका मतलब सेट ए में क्या क्या होगा, 4 लेटर होगा, एक होगा आर, दूसरा ई, फिर ए, फिर टी। बी एक सेट है जिसमें एक्स है, सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड आर ओ पी ई, तो ए और बी को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी 4 है, ए में भी 4 है और बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 4 है, तो ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट बट नॉट इक्वल, सेम नहीं है, क्योंकि ए एक एलिमेंट है ए, क्योंकि सेट ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो दोनों को हम लोग इक्वल सेट। थैंक यू।